आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। हरियाणा सरकार ने युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण लोकल युवाओं को 15 जनवरी से 30,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो कि आज से प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। तो वहीं प्राइवेट कंपनियों, ट्रस्ट व सोसाइटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद हो रहेंगे। ऐसे में वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम आयुक्त ने शुक्रवार को बताया कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। इस दौरान कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बीते साल इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया है। फिलहाल इस टारगेट को हासिल करने के लिए कानून काफी जरूरी है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके। गौरतलब है कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 प्रदेश के सभी प्राइवेट उद्योग फर्म अथवा हर उस रोजगार नियम पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। ये नियम पहले से ही कार्यरत कर्मचारियों पर लागू ना होकर नई भर्तियों पर लागू होगा। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।